आज भी जब हम इस दौर पे हैं, जबकि हमारे कोविड वैक्सीन्स अलग अलग जगह से फाइनल स्टेज ऑफ ट्रायल में है और वो लॉन्च होने के स्टेज पे है, तो हम लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर किया है जिससे कि हम जो भी वैक्सीन्स यहाँ आए उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें। इसके लिए जस्ट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास दो कार्गो टर्मिनल हैं। दोनों कार्गो टर्मिनल की कंबाइंड कैपेसिटी 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है पर ईयर, और उसको हम लोग 2.3 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जा सकते हैं। ये दोनों कार्गो टर्मिनल के अंदर में हमारा कूल चैम्बर का फैसिलिटी है जिसमें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम कार्गो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस 25 डिग्री सी से लेकर के -20 डिग्री सी तक का अवेलेबल है, और इवन एयर साइड से ले जाने के लिए कार्गो टर्मिनल में हमारे पास कूल डॉलीज की फैसिलिटी है जो कि बहुत कम एयरपोर्ट्स में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जिससे कि कंप्लीट कोल्ड चेन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविज़न किया है।